नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फुटफंडा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए अमेरिकन चॉप्सवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम टेस्टी और मज़ेदार है, तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने चॉप्सवी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने नूडल्स को लेकर उसे बॉयल कर लिया था, और बॉयल करके उसे मैंने ठंडे पानी से धो दिया था और धो के छन्नी में रख दिया था, जिससे कि उसके सारे पानी अच्छी तरह से छन जाए। और जब पानी उसके सारे निकल गए तो मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, देखिए। और उसमें मैंने पूरी एक गुच्छे नूडल्स को उठा के इसमें डाल दिया है। और नूडल्स को बॉयल करते समय आप ध्यान रखिएगा, नमक और ऑयल डाल के तो आप बॉयल करेंगी, और उसमें तोड़िएगा नहीं, उसे कम चलाइएगा, उसे तोड़िएगा नहीं, जिसमें कि उसके पूरे लंबे लंबे लच्छे रहे, तो वैसे लंबे लच्छे से तलने में आसानी होती है। और जो जब हम नूडल्स को तल के निकालेंगे तो पूरे ये गोल केक के जैसे शक्ल का होगा और टूटेगा नहीं, जिससे कि हमें सर्व करने में बहुत ही अच्छा रहेगा और ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस इन्हें चलाना नहीं है, इन्हें अच्छी तरह से तेज आंच पर हमें तल लेना है। इस समय फ्लेम को एकदम हाई रखना है हमें, क्योंकि नूडल्स हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। बस केवल इन्हें हमें करारा करके तल लेना है। जब नूडल्स एक तरफ से पूरी तरह कुरकुरे हो जाए तो इन्हें पलट लेना है। इन्हें हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस केवल करारा होने तक हमें तल के इसे पलट देना है। बहुत ही आसान है, आप आराम से कर लेंगे इसे। दोस्तों ये रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। वेजिटेरियन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी है, नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए भी अच्छी है। बस इन्हें इसे थोड़ा सा इधर नीचे से उठाना, जिसमें कि नीचे भी तले, लेकिन इसे बिल्कुल भी मत चलाइएगा, और बिल्कुल भी जब तक एक साइड से अच्छे कुरकुरे ना हो जाए तब तक इसे पलटिएगा भी नहीं। और जिस बाउल में आपको सर्व करना है उस बाउल में या किसी ट्रे में आप पहले से निकाल लीजिए, उसके बाद सर्व कीजिएगा। और ये वेजिटेरियन लोगों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि मैंने इसके सॉस में केवल वेजिटेबल डाला है, ऊपर से मैंने अंडे का पॉच डाला है। अगर आप वेजिटेरियन हैं प्योर, तो अंडे का पॉच मत डालिए, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो जिस तरह से मैंने वेजिटेबल डाल के सॉस बनाया, उसी तरह से आप बॉयल चिकन डाल के आप उसे भी उसका भी उसका सॉस बना के भी आप चिकन चॉप्स भी परोस सकते हैं, या फिर वेजिटेबल और चिकन दोनों मिला के भी बना सकते हैं, उससे और भी ये न्यूट्रिशस हो जाएगा। इस तरह इस रेसिपी को वेज और नॉन वेज दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए मेरे हल्के क्रिस्प कलर नहीं आया, कलर तो हल्के हैं, लेकिन मेरे नूडल्स बिल्कुल करारे हो गए हैं। मैंने उन्हें निकाल लिया है और अब मैं दूसरा बैच उसमें डाल दी हूँ। दूसरा बैच जब तक हमारा तलेगा तब तक मैं कढ़ाई को साइड में कर देती हूँ, और एक पैन में इधर इस पे रख दूंगी, जिसमें कि हम सॉस जल्दी से तैयार कर लें। सॉस भी बहुत ही इजी तरीके से बनती है, तो चलिए अब हम सॉस बनाते हैं। इधर इस पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, मैंने लगभग 2 टीस्पून ऑयल लिया है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है। उधर देखिए हाई फ्लेम पर मेरे बाकी के नूडल्स तल रहे हैं। अब मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें अदरक लहसुन डाला है, और साथ में ही बारीक चॉप प्याज डाले हैं। मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को पूरी तरह फाइन पेस्ट नहीं बनाया था, मैंने दरदरा इसे क्रश कर लिया था। आप चाहें तो इसे केवल चॉप करके ही डाल सकते हैं, जैसे हमने प्याज चॉप करके डाला है। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन को हल्का सा दरदरा करके कूट के डाल दिया है, और साथ में ही 1 मीडियम ऑनियन को मैंने बारीक चॉप करके काट के उसे भी डाल दिया है। इसमें आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। इसमें आप गाजर भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं। मेरे पास कैबेज और कैप्सिकम थे, इसलिए मैंने केवल उन्हें ही डाला है।
लेकिन इसमें आप लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, क्योंकि जितने वेजिटेबल्स डालिएगा उतने ही इनका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और उतना ही ये ज़्यादा हेल्दी भी बनेंगे। देखिए मैंने थोड़े से कैबेज डाला है, 1/4 कप मैंने कैबेज डाला है और 1/2 कप मैंने कैप्सिकम डाल दिया है। जितना मैं बता रही हूँ ये 1 पोर्शन के लिए है और 1 पोर्शन के लिए इतने वेजिटेबल्स हैं। आप अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो वेजिटेबल की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। देखिए जब हमारे प्याज और अदरक लहसुन के कच्चापन ख़त्म हो गए थे तो मैंने कैप्सिकम और कैबेज डाल दिया है। अब इन्हें बहुत ही हाई फ्लेम पर हमें थोड़ा सा ही भूनना है, जिससे कि हमारे सब्जियों का भी क्रिस्पी, हमारी सब्जियां भी क्रिस्पी रहें। और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, साथ ही मैंने 4 चम्मच केचप डाला है। टोटल 4 चम्मच मैंने केचप लिया था, उसे डाल दिया है। ये मैं पहले ही बता चुकी है, ये मेरा 1 सर्विंग है, उसके हिसाब से आप डालिए। और अब देखिए मैंने 1 चम्मच चिली सॉस डाला है, मैंने रेड चिली सॉस डाला है। सोया सॉस मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, केवल मैंने फ्लेवर के लिए सोया सॉस डाला है, क्योंकि ज़्यादा सोया सॉस डालने से थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है और हमें इसका कलर चेंज नहीं करना, हमें इसे रेड रेड ही रखना है। अब मैंने स्वाद के अनुसार मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। अब सभी चीजों को मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी। मैंने 1/2 टीस्पून लगभग इसमें क्रस्ट पेपर डाले हैं। अब देखिए हमारे सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से बॉयल हो रहे हैं और सारे सॉस भी अच्छी तरह से बॉयल हो रहे हैं। हमें इसे इन सारे प्रोसेस को हाई फ्लेम पर ही करना है। और अब देखिए 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टेबल स्पून। अब उसे मैं अपने पानी में घोल दूंगी। और घोल करके हमें अपने सॉस में मिला देना है। देखिए मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर घोल के अपने सॉस में मिला दिया है और हमें थोड़े देर के लिए इसे बॉयल होने देना है, जिससे कि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन निकल जाए और हमारे सॉस अच्छी तरह थिक हो जाए। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी डिश है, ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए डेली एक नया डिश लाती हूँ जो कि आप लोगों को अच्छी लगे और आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल सके। ये सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए या शाम में हल्के टी के लिए बहुत ही अच्छा है, यह डिश बहुत ही अच्छा है। इसमें जितना वेजिटेबल डाल सकते हैं आप डालिए, बहुत ही खाने में मज़ेदार लगती है ये, आपके बच्चों को और घर के सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। अब मेरे सारे हो गए हैं, मैंने सारे नूडल्स को भी तल लिया और हमारे देखिए सॉस भी बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब मैं इसमें एक कप पोच बना लूँगी, जनरली जो अमेरिकन चॉप्स भी के साथ देते हैं, आप होटल में अगर खाती हो तो उसके ऊपर एक कप पोच बना के देते हैं।
अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो आप फिर एक उसमें मत डालें, एक फिर उसमें डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यूज़ किया हुआ ऑयल में से थोड़ा ले लिया है। और अब देखिए मैंने इसमें एक एक को तोड़ के डाल दिया है पॉच के लिए। इसमें पॉच डेक ही अच्छे लगते हैं। और देखिए ऊपर से मैंने थोड़े से नमक डाल दिए हैं और थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब हमारी सारी चीज़ बनके रेडी है। अब हमें केवल इन सभी चीज़ों को असेंबल करना है और इन्हें सर्व करना है। और देखिए अब मैंने जो फ्राई किया था उसे मैंने ले लिया है, उसे मैं लेके मैंने एक बाउल में डाल दिया है। और अब इसके ऊपर से मैं सॉस डालूंगी। और अब देखिए मैंने सॉस को फिर से थोड़ा और गर्म कर लिया है और अब मैंने इसमें वन सर्विंग के लिए डाल दिया है। अब इस पर मैं गरम गरम सॉस अच्छे से डाल दूंगी। आप इसमें जितना सॉस डालेंगे खाने में उतना ही मज़ेदार लगेगा। देखिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार डिश है। प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और हो सके तो सब्सक्राइब करने वाले पर भी ज़रूर थम्स अप दबाइए, जिसमें कि आप मेरी रेसिपी आपको मिल सके। और अगर आप देख रहे हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों। ये फ्रेंड्स मेरी रेसिपी की लुक इस तरह से आई है अमेरिकन चॉप्सवी की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मैं ये देख जितना देखने में अच्छा लग रहा उतना ही टेस्टी भी बनाता, बिल्कुल खट्टा मीठा। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे आज्ञा दीजिए जब तक कि मैं दूसरी रेसिपी लाती हूँ।